मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश के बाद अहाते बंद हुए तो ठेकेदारों ने अहातों के सामने पर्दे लगाकर शराब पीना शुरू कर दी है। सरकार ने 1 अप्रैल से सभी अहाते बंद कर दिए हैं। बता दें जिसके चलते शराब ठेकेदारों की आय में कमी होने लगी है। नियमानुसार ऐसा करना अवैध है, लेकिन अब तक आबकारी विभाग और जिला प्रशासन ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जिले की सभी शराब दुकानों के बाहर ऐसा ही किया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस शहर अध्यक्ष रिंकू टाक ने कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने कलेक्टर भव्या मित्तल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। एसपी राहुल कुमार ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पान की दुकान हो, चाय की दुकान हो, सब तरफ इल्लीगल तरीके से शराब की बिक्री करी जा रही है। तो जब बल्क सेलिंग भी रिटेल वाला नहीं कर सकता, एमएसपी से नीचे भी सेल नहीं कर सकता, तो ये दुकान वाला क्यों कर रहा है? इसकी लगातार शिकायतें आबकारी विभाग में दी जा रही है। क्या वजह है कि आबकारी विभाग एक शराब माफिया से इतना डरा हुआ है? शराब की दुकानें हैं, जैसे अभी आप देखिए केंद्रीय विद्यालय हॉस्पिटल, उसके सामने शराब की दुकान, नेहरू मोंटेसरी के सामने शराब की दुकान, भारतीय स्कूल के सामने शराब की दुकान, 6 नंबर वार्ड में मस्जिद के बिल्कुल बाजू में शराब की दुकान, मतलब शहर में गली गलियों में जगह जगह शराब की दुकानें खुल रही है। और प्रशासन के द्वारा जो निर्देश भी दिए गए कि आते बंद कर दिए जाए, तत्काल आते बंद भी करा दिए गए। और तो आज भी मैंने जैसे एक अभियान के तौर पे सभी थाना प्रभारियों को दिशा निर्देश भी दिए हुए हैं कि लगातार अभियान के तौर पे जो है वो कार्यवाही की जाएगी, और जितने भी इस तरीके के लोग हैं जो सार्वजनिक स्थलों पे शराब का सेवन करते हुए पाए जाते हैं उनके ऊपर कठोर